हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। आज ये जो मेरा कोटलिन का नेक्स्ट वीडियो है, और इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो हम एरे के बारे में देखेंगे कि कोटलिन में हम एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं और क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है कोटलिन में जो है एरे के कंसेप्ट में। तो ये सारी चीज़ देखें तो सिंपली एरे का कंसेप्ट वही है जो सभी लैंग्वेजेज में होते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट जो है सेम डेटा टाइप के चीज़ों को स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में, ठीक है, और फिर उनको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज़ है। तो चलिए बस यहाँ पर हम देखते हैं कि एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं और कुछ फंक्शंस है उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने रम रखा है, और उसके बाद एरे ऑफ, यहाँ पर मैं एरे ऑफ फंक्शन से डिक्लेयर कर रहा हूँ एरे को, जिसमें मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूँ 12, 13 और 14। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एरे डिक्लेयर हो गया मेरा। अब आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, फॉर लूप चलाएं आई इन, और उसके बाद हम लिखते हैं नम डॉट इंडिसेस। तो यहाँ पर जब आप नम डॉट इंडिसेस लिखते हैं तो ये उतना ही चलेगा जितना इंडेक्स जो है, जितने इंडेक्स मतलब जितना साइज आपका एरे का है, ठीक है। तो इसके बाद बस आपको लिखना है प्रिंट एलन, और उसके बाद आप देंगे नम और ब्रैकेट में देंगे आई। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपने देखा एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ जहाँ पर मैंने एरे डिक्लेयर किया है और उसको जो है मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एरे डिक्लेयर करने के लिए एरे ऑफ फंक्शन है जिससे मैंने इसको डिक्लेयर किया है। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ तो देख रहे हैं ये रन हो चुका है और यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 12, 13, 14। तो इस तरीके से जो है एरे को आप यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एरे को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, एरे से डेटा हम कैसे ले सकते हैं, एरे में डेटा कैसे हम सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर और क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम और वेरिएबल लेते हैं इंट, और इंट के बाद मैं ऐसे ही एक वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स, और इंट एक्स इक्वल टू मैं यहाँ पर लिखता हूँ num dot get और यहां पर जीरो। मैं इंट के जगह वेर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर हमने वेर x इक्वल टू num dot get जीरो हमने लिखा, और उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूं num dot set, और मैं क्या करता हूं जो फर्स्ट पोजीशन मतलब फर्स्ट इंडेक्स में जो 13 वैल्यू थी उसको चेंज करके मैं कर देता हूं 50, ठीक है। तो यहां पर दो स्टेटमेंट लिखा हमने, और उसके बाद फाइनली मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं जिसमें लिखता हूं प्रिंट एल एन बी इक्वल टू और प्लस बी। तो चलिए यहां पर हमने छोटा सा जो है एग्जाम्पल प्रोग्राम लिखा है। हाँ, तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जहां पर हमने नम एरे तो हमारा वही है, पर मैं क्या कर रहा हूँ नम से अगर आपको कोई वैल्यू को एक्सेस करना है तो डॉट गेट आप लगा सकते हैं, या डायरेक्ट आप सी लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज में जैसे यूज करते हैं वैसे भी कर सकते हैं एक्स इक्वल टू नम जीरो, पर यहाँ पर आप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं नम डॉट गेट जीरो। और उसी तरह अगर इसमें कोई वैल्यू आपको डालना है तो नम एरे का नाम डॉट सेट, सेट का मतलब उसमें वैल्यू सेट करनी है, और उसके बाद आपको पहला इंडेक्स नंबर लिखना है और उसके बाद उसकी वैल्यू लिखनी है। तो मैं यहाँ फर्स्ट इंडेक्स नंबर पर 50 डाल रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ फिर से वही लूप चला रहा हूँ, तो लूप अब चला रहा हूँ तो 12, 13, 14 के जगह डिस्प्ले होना चाहिए 12, 50 और 14, और उसके बाद बी की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो चलिए फिर से हम एक बार देखते हैं कि ये हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैं फिर से इसको रन करता हूँ, यहाँ पर लिख रहा है कोटलिन ओके। यहाँ पर हमने वेरिएबल एक्स लिया है पर यहाँ पर हमने बी डाला है, तो चलिए हम यहाँ एक्स डालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने यहाँ रन किया तो देखिए यहाँ पर 12 आ रहा है, 50 आ रहा है और 14 आ रहा है, और बी इक्वल टू 12 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इस तरीके से आप जो है गेट सेट दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम देखें, उसके बाद मैं कुछ चीजें आपको नोटपैड पे बता देता हूँ क्योंकि इसको अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं कि अगर आपको बहुत ही बड़ी एक एरे डिक्लेयर करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप एरे ऑफ नल एक फंक्शन है जिसका एरे ऑफ नल्स एक फंक्शन है जिसका यूटिलाइज करके आप क्या कर सकते हैं कि आप
लॉन्गर एरे, बड़े एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिख रहे हैं इंट और ब्रैकेट में लिख रहे हैं 1000, तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि 1000 एरे, 1000 साइज का एक एरे बन जाएगा और सारे के सारे आपके नल से इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं, अगर आपको बहुत बड़ी एरे की जरूरत है और बहुत बड़ी एरे आपको यूज करना है, तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं, जहां पर आपके सारे एरे जो है बाय डिफॉल्ट नल से इनिशियलाइज हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं, जैसे यहाँ पर इन एरे ऑफ हमने लिखा, यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ फ्लॉट, फ्लॉट एरे ऑफ, ठीक है। तो फ्लॉट एरे ऑफ जब आप लिखेंगे, ठीक है, फ्लॉट फ्लॉट एरे ऑफ, तो यहाँ पर मैं फ्लॉट एरे ऑफ लिखा, उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फ्लॉट नंबर दे सकते हैं, ठीक है। उसी तरह इंट एरे ऑफ भी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लॉट एरे ऑफ में हमने इस तरह फ्लॉट वैल्यू दे दिया। अब इसको हम रन करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ किस तरह से जो है फ्लॉट वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, 23.4, 57, 6.7, 78। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने फ्लॉट एरे ऑफ दे दिया। तो फ्लॉट एरे ऑफ का मतलब यह है कि यहाँ पर जो है फ्लॉट वैल्यूज हम ले रहे हैं, बस आपको जो नंबर है उसके आगे जो है आपको एफ एफ लिखने हैं। तो इस तरह से फ्लॉट वैल्यू ले सकते। इसी तरह कैरेक्टर एरे ऑफ लिख सकते हैं, कैर एरे ऑफ, उसी तरह आप स्ट्रिंग एरे ऑफ, इस तरह से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको एरे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एरे को यूज करना है, किस तरह से गेट सेट फंक्शन को यूज करना है। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जरूर इस वीडियो को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसे कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जान सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।